दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं एग्जीबिशन ग्राउंड में, जहाँ ठीक हमारे साथ कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स हैं। जी हाँ, ये वही कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स हैं जो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, पर खुद इनका ही भविष्य नहीं बना रहा। जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे करती है डिजिटल इंडिया बनाने के और लोगों को रोज़गार देने के, लेकिन ये आज खुद अपने हक के लिए लगातार 1080 दिनों से प्रदर्शन इनका जारी है, लेकिन सरकार खाली आश्वासन पे आश्वासन इन्हें देती है, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ है रजनी जमवाल जी, जो 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर से। जी मैम। मैम, आज हमें स्ट्राइक पे बैठे हुए 1080 दिन हो चुके हैं, और आज हमें खुशी भी है और एक मतलब हमारे दिल में एक दर्द भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो हैं, कईयों की जाने भी चली गई और कई जो हैं वो इस समय इतने बीमार पड़ चुके हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और खुशी की एक छोटी सी किरण हमें जागी हुई है, क्योंकि आज हमारे पास राजीव चाड़क जो हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो यहाँ पे आप हमारे लिए होप की किरण लेके आए हैं। तो हम लोग यही आपको एक उम्मीद नज़र आ रही है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। जी मैम, हमें एक उम्मीद की झलक नज़र आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे और एक मांग रखेंगे कि ये बच्चे जो हैं इनकी क्वाइट जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि हमने सभी को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। और इस समय हमें बहुत दुख है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, कल उनका एक्सीडेंट हो गया, वो रोज़ यहाँ पर आते थे धरने पर, और फार फ्लंग एरिया से वो बिलोंग करते हैं। शाम को जब वो रात को पहुँचे हैं मेडोर से उतरे, तो उन्होंने उनको बाइक ने हिट कर दिया। तो आज वो 38 साल के युवा की एक टांग टूट चुकी है, जिसने 10 साल डिपार्टमेंट को दिए। मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर, एलजी साहब को आप हमारी एक्चुअल पोजीशन बताइए कि हमें 3 साल यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि हमारी उनसे अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पा रही। तो हमारी जो जायज़ डिमांड है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, ताकि हम लोग जो है वो शांति से घर जा सकें। पहले भी आप रविंदर रैना जी से मिले थे, जो कि प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनसे भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और इस बार भी आपसे खुद वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के राजीव चाड़क जी मिले हैं, तो क्या कहा उन्होंने कि कब तक जो आपका मसला हल होगा? मैम, अभी जो सेकंड टाइम फिर से जब वो अध्यक्ष बने हैं रविंदर राणा जी, हम उनसे फिर मिले हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं एलजी साहब से मैंने आपकी बात भी की है, और आपका केस जो है वो जेन्युइन है, मैंने उसको खुद भी रीड किया है, और हम इसको पक्का सॉल्व करवाएंगे। हम उनसे फिर भी मिले हैं, और आज राजीव जी हमारे पास आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आने वाली सैक जो है उसमें हम आपका मुद्दा रखवाने की कोशिश करेंगे, और आपका जो जेन्युइन डिमांड है उसको हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक होप की किरण जो है वो जागी है। तो दोस्तों, इनसे आज राजीव चाड़क जी खुद, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने खुद मुलाकात की है, और उनका यही कहना है कि जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। आइए इसी विषय में बात करते हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट राजीव चाड़क जी से। जी सर, स्वागत है आपका स्टेट ऑब्जर्वर। धन्यवाद जी। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आपने खुद इनसे मुलाकात की और खुद इनकी जो मांगे हैं वो सुनी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इन बच्चों का बहुत दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारें जितनी भी रही, वो हमारे जम्मू के बच्चों को कहीं नीड बेस, कहीं डेली वेजर, कहीं कंट्रेक्चुअल लगाकर उनका भविष्य जो है वो अंधकार में करती रही, यानी उनका भविष्य धूमिल करती रही। मैं पहले भी यहाँ 2 वर्ष पहले आया था, तब भी इनसे मुलाकात हुई, और इनका जो मुद्दा था वो माननीय चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी के सामने रखा। उन्होंने कहा था कि कोई इस प्रकार की नीति बनाएंगे, परंतु नीति कोई ऐसी बनी नहीं। उसके बाद हुआ नहीं, इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। फिर उसके बाद हम माननीय राज्यपाल महोदय जी से भी मिले। अब यहाँ धारा 370 हटने के बाद माननीय उपराज्यपाल जी हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से भी और स्वयं भी मिलने जाऊँगा। एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं ऐसे, कि जिनका एक पहले आर्डर हुआ था वर्ष 2003 में कि इनको 7000 प्रति माह पर रखा गया है और 3 वर्षों बाद इनको परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसके ऊपर कई आर्डर निकलते रहे, पिछले आर्डर को क्वेश्चन करते हुए नई नई नोटिफिकेशंस निकलती गई, जिससे इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो गया। अब ये नया प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, तो ये बच्चे तकरीबन 3.5 वर्ष से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी बात जो है वो सुननी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि यूटी बनने के पहले भी ये ऐसे ही प्रदर्शन पे थे, और यूटी बनने के बाद भी इनका प्रदर्शन ऐसे ही जा रहे है? तो लगातार 1080 दिन कुछ लंबा अरसा नहीं है, और अब ये ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रदर्शन ऐसे ही जा रही है, अभी तक भी सरकार ने इनकी मांगे नहीं पूरी की। देखिए, अभी हाल ही में अगस्त माह में ये धारा 370 हटी है, यूटी बनी है। अभी यहाँ पर बहुत से जो स्टेट के एक्ट थे उनमें उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, कईयों में तरमीम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसी बनेगी। हम उनसे आग्रह करेंगे कि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं,
जिन्होंने 15 वर्ष तक डिपार्टमेंट को दिए हैं, इनमें से अधिकांश ओवरेज होने वाले हैं, इनको पहले इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको ऑब्जर्व किया जाए, उसके बाद अगर कोई और लोग लगाने हैं उसके बाद लगाए जाएँ, क्योंकि वो तो फ्रेशर है, उनकी उम्र अभी और 5-7 साल होगी कि वो 5-7 सालों में कभी भी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा ओवरेज होने वाले हैं। ये यही लोग सफ़र नहीं कर रहे, इनके कारण हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के, इन टीचर्स के वहाँ ना होने की वजह से उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यही टीचर्स नहीं, इनके साथ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स रमसा के हैं उनको भी निकाला गया है और मिड सेशन में निकाला गया। उससे हमारे जो दूर दराज इलाके के स्टूडेंट्स थे, इनमें से भी अधिकांश दूर दराज इलाके में थे, यहाँ पर जो परमानेंट टीचर है वो ट्रांसफ़र करके जम्मू की ओर भागता है, परंतु ये कंट्रेक्चुअल टीचर्स जो लगे हुए थे ये बेचारे पूरा दिन वहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाते थे और उन बच्चों का भविष्य बनाते थे। आज इनको निकालने के बाद, यानी इनको और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर रमसा के थे उनको निकालने के बाद आज हमारे बच्चे जो हैं दूर दराज के स्कूलों में वो खाली हो गए हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं एक एक स्कूल में 3-4-5 टीचर हैं, अधिकांश टीचर जो पहाड़ों से, दूर दराज के इलाके से जम्मू में अटैचमेंट करा के बैठे हुए हैं, उन सबको भी डिटैच करना चाहिए और इनको भी जो है ऑब्जर्व करके इनको अपने अपने स्कूलों में भेजना चाहिए, ताकि हमारा विद्यार्थी वर्ग जो है वो खाली स्कूल के दीवारों को और डेस्कों को नहीं ताकते रहे, उनको कोई वहाँ शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिले। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के। तो ये थे हमारे साथ राजीव चारक जी, जिनका ये कहना था कि आज इन्होंने खुद कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स से मुलाकात की है और इनका ये भी साथ साथ कहना है कि जल्द ही जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। चलो ये तो देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाती है या नहीं। ऐसी अपडेट्स के साथ अब बने रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।